एलएलबी करने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी अच्छे सीनियर लॉयर के अंडर, कुछ साल तक सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं, आपका खुद का ऑफिस सेटल कर सकते हैं किसी भी सीनियर मोस्ट लॉयर के पास, जिसमें या फिर आप आपका फील्ड चुनिए कि आपको किस में जाना है, फैमिली में जाना है, सिविल में जाना है, क्रिमिनल में जाना है, लेबर में जाना है, कंज्यूमर में जाना है, कोई भी एक टॉपिक चुन के आप और वो ऐसे एडवोकेट के पास जाइए जो आपकी चॉइस का सब्जेक्ट लेता हो, या फिर अगर आपको सब में इंटरेस्ट है तो ऐसे बहुत सारे लॉयर हैं, सीनियर लॉयर हैं जो सारे ही ऑलमोस्ट सारे ही मैटर में डील करते हैं। तो आपके लड़कियों के लिए तो खास मैं डाइवोर्स फैमिली मैटर सजेस्ट करूँगी, उसमें काफ़ी डिमांड है। तो एलएलबी दूसरा ऑप्शन है, आप कोई भी अच्छा लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं एलएलबी के बाद, आपकी चॉइस का कोई बढ़िया सा लॉ फर्म देख लीजिए और वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप कंपनी में ज्वाइन हो सकते हैं, कंपनी में काम कर सकते हैं एज अ लीगल एडवाइज़र, एज अ लॉ ऑफिसर। बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होती है, मेडिकल के फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, फिर होटल मैनेजमेंट की जो कंपनियां होती हैं, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जहां पर एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप आफ्टर एलएलबी एज अ लीगल एडवाइज़र उनके लीगल डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पर भी आपका अच्छा खासा करियर का स्कोप है। चौथा ऑप्शन है, आप मैजिस्ट्रेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, मैजिस्ट्रेट या जज। एलएलबी के बाद आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट या जज की बनने का एग्ज़ाम दीजिए, जुडिशियल एग्ज़ाम पास कीजिए और फिर मैजिस्ट्रेट बन जाइए या जज बन जाइए। और ये बहुत ही प्रेस्टीजियस रॉयल जॉब है, एक तरह के से गवर्नमेंट जॉब है, आपको इसमें काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर एलएलबी। पांचवा ऑप्शन है, आप आफ्टर एलएलबी एलएलएम की पढ़ाई कर सकते हैं, एलएलएम की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप टीचिंग प्रोफेशन में घुस सकते हैं, कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। एक ऑप्शन और है, आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओपनिंग्स आती रहती है, उसमें आपको तैयारी करनी है, एग्ज़ाम देना है, रिटर्न एग्ज़ाम होता है, रिटर्न इंटरव्यू होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, आपको वो क्लियर करना है और आप गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आफ्टर एलएलबी। मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।